लोकप्रिय दूरदर्शन धारावाहिक महाभारत के अलावा बॉलीवुड की कई फिल्मों में अहम किरदार निभा चुकी अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर ने विवादों में घिरने के बाद कोहली समुदाय से माफी मांग ली है। दरअसल वर्षा उसगांवकर ने ऑनलाइन मछली बेचने वाले ऐप यमली का प्रमोशन करते हुए एक वीडियो में कोहली समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिस पर अखिल महाराष्ट्र फिशरमैन एक्शन कमेटी और वली फिशरमैन एसोसिएशन ने सख्त एतराज जताया था। एसोसिएशन का कहना था कि वर्षा उसगांवकर ने एक मेहनतकश समुदाय का अपमान किया है। अभिनेता जयवंत वाडकर ने भी कोहली समुदाय पर की गई टिप्पणी को गलत बताया और विरोध जताने वालों का साथ दिया। आखिरकार विवाद बढ़ने के बाद वर्षा उसगांवकर ने एक वीडियो जारी करके कोहली समुदाय से माफी मांग ली। यमिली ऐप बद्दल बोलताना जर माझ्याकडून कोळी समाजाच्या काही भावना अनवधानाने दुखावल्या गेल्या असतील तर मी त्यांची हात जोडून माफी मागते। त्यांच्या भावना दुखावण्याचा माझा कुठलाही हेतू नव्हता। इनफॅक्ट कोळी समाजाबद्दल मला नितांत आदर आहे, त्यामुळे कोळी समाजाच्या बंधू भगिनींची मी पुन्हा एकदा हात जोडून माफी मागते। धन्यवाद। वर्षा उसगांवकर के अलावा ऑनलाइन ऐप यमली की ओर से भी एक माफीनामा जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि हम यमली में हर उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो मछली पकड़ने के उद्योग को बढ़ाने में योगदान देता है और मुंबई के कोहली समुदाय के महत्वपूर्ण प्रयासों को स्वीकार करता है। हम कोहली समुदाय की आपत्तियों को समझते हैं और वर्षा उसगांवकर के साथ अगर हमारे वीडियो ने अनजाने में उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई है तो ईमानदारी से क्षमा चाहते हैं। कंपनी ने ये भी बताया है कि उसने अपने ऐप यमली का वो विवादित वीडियो डिलीट कर दिया है। महाराष्ट्र ब्यूरो, कोहली टाइम्स।